हल्की तो बात है कि हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे और आज ये रूम ही हमारा है। कितनी जल्दी समय बिल्कुल बदल जाता है। तुम इस टेस्ट में पास हो और हम तुमसे वादा करते हैं अब तुम्हारे जॉब सिक्योर है। हमारे साथ वाला केविन तुम्हारा इंतजार कर। अब हमें सबसे पहले वो काम करना है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमें अभी की अभी अर्जुन को फोन करके सारी सच्चाई जाननी होगी। हमें अंदर से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि शायद अर्जुन ने भी निशा की तरह अपना प्यार त्याग कर दिया हो। पूर्वी का फोन? लेकिन पूर्वी हमको काहे फोन कर रही थी? सब ठीक तो है? हेलो। हेलो, तुमने फोन किया था हमको? हाँ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन का है? बात का है? वो हम तुम्हें फोन पर नहीं बता सकते। क्या तुम हमारे ऑफिस आकर हमसे मिल सकते हो? ठीक है। ठीक है, हम पूरा दिन अपने ऑफिस में ही हैं। जब भी तुम्हें टाइम मिले आ जाना। हाँ, हम एक घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है। तुम्हें यहाँ बैठे देखकर आज हमें बहुत खुशी हुई पूर्वी, बहुत खुशी हुई। सच में तुम इसी सफलता के काबिल हो। अर्जुन बैठो। हमें निशा के बारे में पता चला, बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी। हम सबने उसे कितना गलत समझा ना, उससे क्या कुछ नहीं कहा। हम तुमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं अर्जुन। जो निशा ने किया, क्या तुमने भी हमारे लिए ऐसा ही किया है? भी हमसे प्यार करते हो? बोलो ना अर्जुन। नहीं, हम तुमसे प्यार नहीं करते। इसे शक हो रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो पूर्वी। हम शादीशुदा आदमी हैं, हम मानते हैं वो पार्टी की रात हम नशे की हालत में थे, इसलिए तुम पर चांस मारा था। लेकिन अपने इसलिए हमें जो पुरानी वाली बातें सुना रही ना प्यार भरी, ये सुनाना बंद करो। क्योंकि एक अब कोनो फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तनु से प्यार करते हैं और सारी जिंदगी उसी से प्यार करते हैं। आई बात समझ में? आ गई। एक पल के लिए पता नहीं क्यों हमें लगा कि शायद तुम अब भी हमसे प्यार करते हो, लेकिन अच्छा है तुमने हमें याद दिला दिया कि तुम कितने घटिया इंसान हो।
प्यार के लिए त्याग तो क्या, तुम जैसे इंसान को तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। और तुमसे तो ये भी नहीं देखा गया ना कि संजय हमारी हेल्प कर रहा है, तुम्हें उसमें भी तकलीफ हो रही थी। यहाँ तक कि मिस्टर विराज रायचंद से भी आकर तुमने ये कहा कि हमें नौकरी से निकाल दे। तो देखो अर्जुन, आज कहाँ हैं हम? देखो आज तुम हमारे ऑफिस में बैठे हो, ये ऑफिस हमारा है। तुमने मजाक उड़ाया था ना हमारा, सोचते थे हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज इस कंपनी के हम सीईओ हैं, और अभी तो हमने तुमसे सिर्फ एक डील छीनी अर्जुन, धीरे धीरे हम तुमसे तुम्हारा बिजनेस सब कुछ छीन लेंगे। तुम्हें वैसे ही सड़क पर ले आएंगे जैसे तुम हमें लाए थे। और ये दिन अब दूर नहीं है, हम प्यार में जरूर बह जाते थे लेकिन अब नहीं। आज के बाद हमें और यकीन हो गया है कि तुम इस लायक ही नहीं हो। आज के बाद हमारा हौसला और बुलंद हो गया है, तुम्हें बर्बाद करने में अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम गलत हो पूर्वी, तुम हमसे जितनी भी नफरत करती थी वो सब हम जानबूझकर करवाए थे। कहा कि हम आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कि पहले करते थे, बस तुम्हें जताना नहीं चाहते थे। तुम्हें शायद ये बात याद भी नहीं होगी कि हम जो भी करते हैं एकदम दिल लगा के करते हैं। तो भला तुम्हारी मोहब्बत से ये दिल कैसे हटा सकते थे? बस हो गया तुम्हारा भाषण, यही सुनाने के लिए हमको यहां बुलाया था है? Just get out from here, जाओ यहां से। आज के बाद हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। Get out! जितनी भी तकलीफ तुमने हमें दी है हम वादा करते हैं एक दिन तुम पछताओगे जरूर, ये वादा है हमारा। तुम यहीं खड़े रहना, स्ट्रेट खड़ा। ऐ जानेमान, ओ निशा जी, अरे अरे निशा जी आ गए, वाह वाह। अरे रुको तो, यहाँ जरा हमरे साथ बैठो और हमरे साथ विस्की का चुस्की लो। हम नहीं पीते। बोतल रुको। तो देखो ए! अपनी औकात में रहने का और उधर खड़े होके ना हिलने का नहीं, सिर्फ देखने का। कैसे नहीं पिएगी? हम नहीं। वतन कहाँ हो रहा है सब? अरे बापू आप, अरे आपकी तो तबीयत खराब है बाबू जी, जाके आराम कीजिए। ये वाइफ और मेरे बीच में का मामला है, आप तनिक आराम कीजिए, काहे टेंशन ले रहे हैं? वतन ये सब मत करो, ये निशा हमारे घर की बहू है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है बापू, क्या बात है। बगल में छमिया और गांव भर ढिंढोरा, बहू बेटियों की लाज करो, क्या किए बाबू जी आप, क्या किए जिंदगी भर है? काय सिखा रहे? अरे आप भी इधर आइए ना, टेंशन काय ले रहे? आप भी विस्की का दो चुस्की लगाइए, सब सब ठीक हो जाएगा। और तुम कहाँ चली, बैठो। अरे हमको कंपनी चाहिए। हम मना कर, हम नहीं पीते। अरे फिर रुको, साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कहा औकात है हमारे बीच में आने की? औकात तो तुझे तेरी मैं याद दिलाऊंगा, बहुत सहलिया मैंने तुझे, मेरी बात कान खोल के सुन, अगर निशा को तूने हाथ भी लगाया ना तो जान से मार दूंगा, और तेरे जितने किराए के पिल्ले है ना तुझे मुझसे नहीं बचा पाएंगे, समझा? वतन कहाँ छोड़ कर जाइए, चलिए विराज प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज। नहीं हम यहां से नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, प्लीज यहां से जाओ। ठीक है
अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं लेकिन जल्दी वापस लौटूंगा और तुम्हें इस कमीने से छुड़ा के लेके जाऊंगा। बहुत पर निकल आए हैं तेरे उस आसिक के। अरे बहुत अच्छा किया तूने जो उससे घर से बाहर निकाल दिया वरना मेरे हाथों मारा जाता आज मारा। ये सोचा भी कैसे कि तुम उसे हाथ भी लगा सकते हो? तुम्हारे कुछ करने से पहले तो हम तुम्हें ही मार डालते। पति हूं तेरा मैं, जबरदस्ती और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी जो मन में आ जाएगा बोलेगी। अरे तेरा पति हूं मैं और नाम है बतन सिंह और उसके ऊपर साला बहुत कमीनी चीज है हम। दो मिनट में तुम्हारे उस आसिक का और तुम्हारा ये जो प्यार है ना उसको कुचल के रख देंगे। समझ औकात में आ, पति है पति तुम्हारे। ये तुम्हें तुम्हारा नशा बोल रहा है, पति कहते हो अपने आप को? तुम तो वो आदमी हो जिसने जबरदस्ती हमारे गले में ये मंगलसूत्र डाला है। पति तो वो होता है जो इस धागे से भी ज्यादा बढ़कर और पवित्र होता है। तुम्हारे तो घर में ही पत्नियों की इज्जत करने की प्रथा नहीं है, तो इसलिए तुम तो सोचना भी मत। नहीं तुम हमारे पति हो और ना ही हम कभी तुम्हें पति मानेंगे। अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होगा हा? सच्चाई यही है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी जूतों की क्या कहते हो चरणों की दासी हो। बस पर आज तक तो कोई जोर जबरदस्ती किए नहीं हम तुम्हारे साथ, लेकिन आज हम तुमको दिखाएंगे कि कितने कमीने इंसान है हम। अरे तुमको दिखाएंगे कि एक पति का हक क्या होता है साला। बस साला पत्नी हो तुम हमारी समझी ना। बतन बतन भैया बतन क्या कर रहे हो मुझे? अरे खबरदार अगर आपने निशा जी को छूने की कोशिश भी की तो क्या हो रहा है? पगला गया का? अपने भाई में गोली चलाएगा? छोड़िए मुझे! कहाँ आए हमरे बीच में, हमरे और हमरे बीवी के बीच में? मार डालूंगा सब स्क्वाश में। ये जो आप खटिया हरकत करने जा रहे थे वो पाप है, कोई नीच हरकत हम आपको नहीं करने देंगे। आप हमारे गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, हम गुस्से में ना भाई देखते हैं और ना ही दुश्मन। अरे हटा साले गुस्से। ये वतन, अरे तू पगला गया है का? बंदूक नीचे कर, नीचे रख बंदूक। अरे चुप रहिया साला, हम वही कर रहे हैं जो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमारी बीवी से दूर रहने को बोलिए इसे वरना इधर ही गोद डालेंगे साला। गोली चल रहे हैं आपको, चलाए गोली, मारिए मारिए हमें, हम डरते नहीं है। अर्जुन क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं छोटे कि तुमको मरने का कोई डर नहीं है, पर काका करोगे काकाड़ देंगे गोली हम अंदर, और अगर इसको कुछ हो गया ना तो तुम्हारा वो भानु जो है साला रास्ते पर ला देगा तुम सबको। मार देंगे, ज्यादा सोचो मत, हमारा का दिमाग बनना गया है। नलिनी, निशा को लेकर तुम अपने कमरे में जा। निशा कहीं नहीं जाएगी। कौन बुला रहे तुमको? हाँ बतन सिंह, हम बतन सिंह, हम बुलाए हैं पुलिस को। मैं बोला है? अरे कैसी माँ है हा?
अपने बेटे को कहा पुलिस के हवाले कर दोगी? हाँ? जेल में भेज देंगे हमको? हाँ, हम तुम्हारी माँ है इसीलिए पुलिस को बुलाए हैं। कहे कि हम नहीं चाहते कि कोई भी अनर्थ करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। अरे करो माँ, माँ भाऊजी देखो क्या चल रहा है तुम्हारे सामने। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है निशा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो सके बेटी, हमको माफ कर दो। अर्जुन ने मुझे क्यों बचाया? मैंने तो उसे दुख देने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे सताने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज उसके पास मौका था मुझसे बदला लेने का, लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाया। ओ, इसका मतलब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। लड़ते लड़ते अर्जुन मेरे प्यार में पड़ गया, वो सच में मुझसे प्यार करने लगा। उसे पता चल गया कि सिर्फ पूर्वी ही नहीं, मैं भी उससे प्यार कर सकती हूँ, और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि वो पूर्वी तो हार मान के बैठ गई, लेकिन मैंने तुम्हें पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पतिदेव, आखिरकार तुम्हें समझ आई क्या? कहा था ना मैंने, तनु जो चाहती है वही होता है। जो कुछ भी आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था बाबूजी। हम लोगों ने निशा भाभी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, लेकिन अब भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। उनकी बाकी की जिंदगी शांति से गुजर सकती है। हाँ बेटा, इतनी बड़ी गलती के लिए अब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है बेटा कि अगर हम ही प्रायश्चित करना भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? एक रास्ता है बाबूजी। कौन सा रास्ता बेटा, हमको बता, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बता हमका। बाबूजी, अगर वतन भैया से निशा भाभी को तलाक मिल जाए तो उनकी बाकी की बची खुशी जिंदगी में सुकून वापस लौट सकता है, और उनसे अलग होना ही उनके लिए अपने आप में बहुत बहुत खुशी की बात होगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहा, लेकिन वतन, ये वतन को हम जानते हैं वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, हम है ना, हम उनके बाप हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम ही काम से करवा के रहेंगे, वही गलती सुधारने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बेटा, हम तुम्हारी शादी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन निशा की जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये काम हम करके रहेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अंकल, माफ कर दो बेटा, मती मारी गई थी हमरे, ये पैसे के पीछे पागल हो गए थे कि हमको हमारे बच्चों की खुशी तक नहीं दिखी, हम कुछ भी नहीं देख पाए, हम वो भी भुला दिए बेटा। हमको माफ कर दे बेटा, हमको माफ कर दे।
पतिदेव, आखिरकार तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया। मैंने कहा था ना, तनुश्री जो चाहती है वो पाकर रहती है। अब प्यार हो ही गया है तो इजहार भी कर दो। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठिकाने दो तुम्हारा। बिल्कुल ठिकाने। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मेरी जान क्यों बचाते? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, इतना सताया, इतने दुख दिए। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका था ना जिंदगी भर के लिए मुझसे पीछा छुड़ाने का, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। हमने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है किसी की भी जान को बचाना। बेशक तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, बहुत तकलीफ बहुत दुख दिए हमको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुमको मर जाने देते। रही बात पूर्वी की, वो का प्यार हमारी आत्मा में बसता है जो जन्मों जन्मों तक कभी खत्म नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, अगर कोई किसी से प्यार नहीं करता तो वो उसकी जान क्यों बचाएगा, क्यों अपनी जिंदगी उसके लिए खतरे में डालेगा? समझ में तो हमरे भी नहीं आया था जब पूर्वी ने हमारी जान बचाई थी, और भी तब जब वो हमसे बेहद नफरत करती थी। पूर्वी ने हमको सिखाया था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमको कितनी खुशी मिलती है। उसने हमको अच्छा इंसान बनाने में बहुत कोशिशें की, हमारी सोच हमारे विचारों को बदल डाला उसने, हम बदल गए। और अगर आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ पूर्वी की वजह से। अगर आज पूर्वी भी यहाँ भी होती ना तो यही करती जो हमने किया। इसका मतलब तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, हम तुमसे नफरत नहीं करते। चाहे तुमने हमारे साथ बहुत गंदी गंदी चालें खेली, बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत दर्द दिया है, लेकिन हम तुमसे नफरत नहीं करते। हमने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए खुद हाँ कहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, ये बात अलग है। और पूर्वी को हमने खुद छोड़ा था, इसलिए इसमें ना ही तुम्हारी कोई गलती है और ना ही पूर्वी की, सिर्फ हम गलत हैं। वही बात भी सच है, हम सिर्फ और सिर्फ पूर्वी से प्यार करते हैं और हमेशा उसी से प्यार करते रहेंगे मरते दम तक। इसलिए हम तुम्हें कभी नहीं अपना सकते, कभी नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.